जहां तक हो सके गौतम बुद्ध की तरह शांत रहता हूं, पर तेरे जैसे कुत्ते मुझे भड़का देते हैं। मुझसे दुश्मनी कर ले कोई बात नहीं, लेकिन अगर चीट किया तो चीट के रख दूंगा। ए, सुन लो रे सभी, ये मरना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे चीटर से नफरत ही नहीं, उनसे घिन भी आती है, और उन्हें मैं तड़पा तड़पा कर मारता हूँ। ये सांस तो लेगा लेकिन जिंदा लाश बनकर। क्रिमिनल्स का कॉल सेंटर लगता है। किसका घर है ये? मेरा घर है। तुम्हारा घर है? और वो मेरे भैया है। भैया ये अर्जुन है, ये कहता है कि ये मुझसे बहुत प्यार करता है। रुको, रुक जाओ। बात यह है कि मैं भी इससे प्यार करती हूँ। बैठो। रिलैक्स। हेलो मास्टर, पीछे टीका लगा लो। वो मैं पानी का पैक बना के दूँ क्या? तुमसे कुछ बात करनी है। पहले मुझसे बात कर। तेरा धंधा पानी क्या है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अनाथ है? अनाथ ही हूँ, लेकिन पहले ये बता, तू इसको बहुत प्यार करता है? हाँ करता हूँ, लेकिन सिर्फ प्यार ही है या शादी वादी का भी कोई इरादा है? शादी करना चाहता हूँ, लेकिन 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 कुछ नहीं, ये रिश्ता पक्का है। अरे कहाँ जा रहे हैं, बात तो पूरी कीजिए। आज रजिस्ट्रार ऑफिस में तेरी और इसकी शादी होगी, समझा? हाँ जी। तो और क्या, तुझे तो खुश होना चाहिए ना मंगनी, सीधा ब्याह। नहीं वो प्यार हुए अभी बस एक ही घंटा हुआ है सर। अच्छा तो तू क्या पार्क या डिस्को में जाके डिसाइड करेगा, ताकि ये बात भाई को पता चल जाए, तेरे हाथ पांव तोड़ दे, उसके बाद शादी करेगा? ऐसी बात नहीं है, लेकिन लेकिन क्या? वो पहले शुभ मुहूर्त निकाल लेते तो। ए, आज की डेट का बेस्ट मुहूर्त निकाल। आज 12:30 से अच्छा मुहूर्त 100 साल में भी नहीं मिलेगा। एक्चुअली मैं लाइफ में ठीक से सेटल नहीं हुआ हूँ। अबे जब मेरी बहन ने तुझे पसंद किया ना, तेरी लाइफ वहीं पर सेट हो गई। लेकिन अबे शुभ काम है लेकिन कैसा? चल चलो भाई। लेकिन 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 अबे क्या लेकिन लगा रखा है? अब शादी है तो घर वाले रिश्तेदार मतलब आपके रिश्तेदार और दोस्तों का इनवाइट करना। मेरी बहन मेरी इकलौती रिश्तेदार है, उसने तुझे लाइक किया, तूने उसको लाइक किया और मैंने तुझे लाइक किया। रजिस्ट्रार ऑफिस चल फटाफट, तेरी शादी आज ही होगी। सॉरी पापा। 11:45 को लव कन्फेस किया और 12:30 को भाई ने शादी करवा दी। चट लव पट ब्याह का इससे बड़ा एग्जाम्पल पूरे इंसानी इतिहास में नहीं मिलेगा। हेलो। हाय भाभी। बोलो अर्जुन। वो मैं आज रात घर नहीं आने वाला हूँ। पर क्यों? मेरी सुहागरात है ना। तुम्हारे सुहागरात? ला फोन दो। रुको। मेरे दोस्त की सुहागरात है तो सब दोस्त मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। अबे तेरे दोस्त की फर्स्ट नाइट है ना, सब मिलकर सेलिब्रेट क्यों कर रहे हो? 31st नाइट है क्या? भैया एक्चुअली दोस्त की फर्स्ट नाइट है, सब मिलकर उसे एनकरेज करना चाहते हैं। ठीक है ठीक है, रात पाली करके आ। If you don't mind, मन में एक छोटा सा डाउट है। कोई भी लड़की किसी रेप्यूटेड फैमिली में शादी करना चाहेगी, तुमने उन सब से हटके गुमनाम अनाथ से शादी क्यों की? मेरी एक बड़ी बहन भी थी अर्जुन, उनकी शादी बड़े खानदान में हुई, लेकिन वो पूरा परिवार उनके साथ एक बहू की तरह नहीं बल्कि नौकरानी जैसा बर्ताव करता। कुछ महीनों बाद दीदी ने सुसाइड कर लिया। सॉरी। मैंने और भैया ने तभी फैसला कर लिया था कि हम फैमिली को ना देखकर लड़के की अच्छाई को देखेंगे। पता है अगर तुम अनाथ ना होते ना, तो तुमसे प्यार होते हुए भी मैं तुमसे शादी ना करती। फंस गया, कुछ दिनों तक अनाथ ही बने रहना होगा। तुम उदास मत हो, आज तुम्हारी दीदी बहुत खुश होगी।
लेकिन उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी, ठीक है ना? अर्जुन, अर्जुन, उठो अर्जुन। थोड़ी देर और सोने दो ना भाभी। कौन भाभी? किसकी भाभी? अभी अभी तुमने भाभी कहा। मैं ऐसा ही हूँ, अपने मन की इच्छाओं के सपने देखता हूँ। अगर मेरी एक बड़ी फैमिली होती तो रोज कहता, थोड़ी देर और सोने दो ना भाभी। आज नाश्ते में क्या है मॉम? डांटिए मत ना पापा। भैया गाड़ी की चाबी देना। लेकिन ये सिर्फ एक सपना है, आंख खुलने के बाद मैं और मेरी तन्हाई अकेले रह जाते हैं। रूठ जाऊं तो मनाने वाला भी कोई नहीं होता। ऐसा मत कहो अर्जुन, मैं हूं ना तुम्हारे लिए। आज ही हम किराए का घर लेंगे और दोनों एक नई लाइफ शुरू करेंगे, क्या कहते हो? किराए पर क्यों लेंगे? तुम्हारे भैया का इतना बड़ा घर है। वो घर नहीं, गुंडों का अड्डा है, इसीलिए फर्स्ट नाइट के लिए भैया ने ये वाला होटल बुक किया था। अब उम्र भर तो यहाँ रह नहीं सकते, हम खुद का आशियाना बनाएंगे, अपनी एक पहचान बनाएंगे अर्जुन। और इसीलिए आज सुबह से इतने सारे न्यूज़पेपर्स में से मैंने कुछ एड्रेस सेलेक्ट किए हैं। बेटा अगर इस एरिया में रहा तो पहचाना जाएगा, इतना टाइम कहाँ है, दिन में ऑफिस जाना है रात को घर। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम तैयार होकर अपने ऑफिस जाओ, मैं तैयार होकर घर ढूंढती हूँ। ठीक से करना। दोस्त की शादी कैसी रही? थका हुआ चेहरा, आंखें ऐसी लाल, दोस्त की शादी में ऐसा हाल, मुझे तो लगता है दाल में जरूर कुछ काला है। अरे सुहागरात में बहुत काम होता है ना भैया। जी जी, इसके दोस्त की सुहागरात थी। अर्जुन पता है, तू अंदर जा। थैंक यू भाभी। तू अपना काम कर। सारा दिन मस्ती, चलो पढ़ाई करो, पढ़ो। पापा जी हाँ, इन्हें किराए के लिए घर देखना है। नमस्ते अंकल। नमस्ते। पापा जी, इन्हें ऊपर का माला दिखाऊं क्या? हाँ ऊपर जाने के लिए हॉल से ही जाना पड़ता है। अच्छा। पापा जी ने हर कमरा वास्तु के हिसाब से बनवाया है। ये दूसरा बेडरूम है। वाओ, बहुत खूबसूरत घर बनाया है अंकल। I just loved it. Thanks a lot. इन्होंने नहीं बनाया, बिल्डर ने बनाया। घर हमेशा बिल्डर ही बनाते हैं, मेरे जैसे वकील नहीं। ये मेरा बड़ा बेटा रवि, मेरे अंडर असिस्टेंट लॉयर का काम करता है। ये मेरी बड़ी बहू हाउस वाइफ। मेरा एक और भी बेटा है, वो जरा अंदर है, उसके बारे में बात न की जाए तो वही अच्छा रहेगा। इडियट, नालायक, लोफर, गुंडा, ये सारी उपाधियाँ उसको सूट करती है। रेंट कितना है? 30,000 इतना कम क्यों? अच्छा बिल में एडजस्ट करेंगे। विद लाइट बिल, वाटर बिल, फर्नीचर, गैस बिल, विद ऑल फैसिलिटीज। ज्यादा लगे तो और भी कम कर दूंगा। सो नाइस। और किसी के लिए 10 रुपए कम नहीं किए, इसके लिए सीधे 10,000 कम कर दिए। बात यह है बेटा कि इसकी शक्ल तेरी माँ जैसी है। सिर्फ शक्ल मिलने से 10,000 का डिस्काउंट? फॉरगेट इट, समझ ले तेरी माँ को 10,000 रुपए दे रहा हूँ। कितने महीनों का एडवांस दूँ? 3 months। 1 month। अच्छा ठीक है, 3 months एडवांस। थैंक यू। कल शुभ दिन है, हम कल ही शिफ्ट हो जाएंगे। थैंक यू अंकल, मैं इसे छोड़कर आती हूँ। इस उम्र में हिलाने से अकड़ जाती है गर्दन। हेलो अर्जुन, गुड न्यूज। कल रात सुहागरात हो गई और आज सुबह गुड न्यूज भी। अच्छा, वो गुड न्यूज नहीं, एक घर पसंद किया है, ओनली 20,000 रेंट विद ऑल फैसिलिटीज। तुम्हारी चॉइस मैं जानता हूँ, कोई अच्छा ही घर ढूंढा होगा। और पता है 3 महीने का एडवांस भी दे दिया। 3 महीने का एडवांस क्यों, पूरे साल का दे दो। ये क्या, दोनों जगह एक ही साथ भजन बज रहा? मर गया। तुम्हारे फोन से भी बाबा का ही भजन सुनाई दे रहा है। वो मेरे ऑफिस के पास एक बहुत बड़ा मंदिर है। क्या तुम शास्त्री नगर वाले एडवोकेट के घर गई हो? हाँ गई हूँ, पर तुम्हें कैसे पता? क्लासिफाइड्स में ऐड पड़ा था। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए। इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो तुम? मुझसे शादी करने का अफसोस तो नहीं हो रहा ना तुम्हें? ऐसा क्यों कह रही हो? I really love you. I'm very happy. बस घर में गड़बड़ है, वहाँ के लोग ठीक नहीं है।
घर के लोग? मतलब घर की वास्तु में गड़बड़ है। किसने कहा तुमसे? हाँ, प्रॉपर वास्तु है, आलीशान साइज है, अच्छे लोग हैं, हम इसी घर में रहेंगे। अब तुमने फिक्स कर ही लिया है तो ठीक है। बाय। हे भगवान, अश्विन यहाँ होता तो कोई आइडिया जरूर देता। अबे अश्विन, कहाँ मर गया तू? सर टेररिस्ट है। शक्ल से टेररिस्ट लगता है क्या? अच्छा चोर है? चोर नहीं, एक नंबर का लोफर है। ये नालायक मेरा बेटा है। आपका पॉकेट छीन के भाग गया? पॉकेट नहीं, मेरा सुखचैन। ये नालायक होमगार्ड के सिलेक्शन से भाग के आया है। कहाँ गया? ए लड़की सुनो, एक सिल्की हेयर वाले किसी लड़के को देखा, वो इसी तरफ भाग कर आया है। नहीं तो? ओ नहीं देखा। ओ फूल कुमारी, ये अपनी कमर के पीछे किसे छुपा रही हो? मेरा बॉयफ्रेंड है। ओहो, वैसे भी उस लोफर की ऐसी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती। चलो फिर से चकमा दे गया। उतरी। इतनी खूबसूरत कमर का ब्यूटीफुल ओनर कौन है? ओए तू? हाँ मैं हूँ। उस दिन फ्रंट से देखा और आज बैक से, और तो और कमर भी पकड़ ली। अरे जानबूझकर थोड़ी पकड़ी, इमरजेंसी थी इसलिए पकड़ी। सॉरी। सॉरी बोलने से क्या होता है? पतली कमर के लिए कितना मेंटेन करना पड़ता है। सुबह सुबह योगा, इवनिंग में जॉगिंग, आइसक्रीम खा नहीं सकते, चॉकलेट छू नहीं सकते, जंक फूड तो जहर है। इतना मेंटेन करने के बाद ये कमरे से कमर बनी है और तुमने ऐसे ही छू लिया। हो गया कमर पुराण। अच्छा तो फ्लैट हुए या नहीं? मैं उस टाइप का नहीं हूँ। कौन से टाइप के हो? एकदम डिफरेंट। वो वाले टाइप के? चॉकलेट खाओगे?